हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। आज हम बात करेंगे प्री टर्म लेबर यानी समय से पहले डिलीवरी क्यों हो जाती है और इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्री टर्म लेबर कहते किसे हैं। प्री टर्म लेबर या प्री मैच्योर डिलीवरी का मतलब है 37 वीक्स के पहले डिलीवरी होना या और एज ऑफ वायबिलिटी के बाद यानी 20 से 22 वीक्स के बाद में डिलीवरी होना। अधिकतर केसेस में प्रीटर्म डिलीवरी का कोई कारण पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स जरूर हैं जिनकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वह है इन्फेक्शन, जिसमें आपको जेनाइटल इन्फेक्शन यानी नीचे वजाइना में डिस्चार्ज होना, इचिंग होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, इसके अंतर्गत बैक्टीरियल वेजिनोसिस एंड टॉर्च इन्फेक्शन आते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आपको बुखार आ जाना, वायरल फीवर हो जाना, मलेरिया, टाइफॉइड, कुछ भी होना, ये सारे इन्फेक्शन प्री टर्म डिलीवरी करा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण कारण होता है सर्विक्स या यूट्रस में कोई मालफॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल ना होना, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इनकॉम्पिटेंट ऑस यानी शॉर्ट सर्विक्स, जिसमें बच्चेदानी का मुंह खुलने का रिस्क रहता है, नीचे का रास्ता थोड़ा छोटा होता है जो कि प्रेशर से खुल सकता है, इसे बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट ऑस। इसके अलावा अदर रीजंस हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी जुड़वा या दो से ज़्यादा बच्चे होना, पेट में पानी बहुत ज़्यादा होना जिसे कि पॉलीहाइड्रोमनियास कहा जाता है, अदर मेडिकल डिजीजेस लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यानी पेशेंट का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, मैल नरिश पेशेंट है, अनिमिक पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स में डिलीवरी समय से पहले हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग, यदि महिला बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती है तो उसका बच्चा समय से पहले हो सकता है। इसके अलावा बच्चे में कोई जन्मजात विकृति होना जो कि लाइफ से कंपैटिबल नहीं है, बच्चा आगे रह के जिंदा नहीं रह सकता, तो ये बच्चों की समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है कि पहले एक या दो बार समय से पहले डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी या मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो चुके हैं और दो प्रेगनेंसी के बीच में बहुत कम अंतर है, जैसे 6-7 महीने में ही पेशेंट वापस कंसीव कर लिया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है प्री टर्म डिलीवरी होने का। तो प्री टर्म डिलीवरी को डायग्नोज करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करके ही डायग्नोसिस बना लेते हैं कि आपको रेगुलर इंटरवल पे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, नीचे से डिस्चार्ज हो रहा है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में डायलेटेशन हो चुका है यानी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तो ये सब साइंस होते हैं प्री टर्म डिलीवरी होने के। इसके अलावा सोनोग्राफी में आपको बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ दिखता है या फिर सर्विक्स की लंबाई छोटी दिखती है, तो ये डायग्नोसिस बनाते हैं प्री टर्म लेबर का। टेस्ट भी करा सकते हैं जैसे कि फीटल फाइब्रोनेक्टिन, एक इंडिकेटर होता है प्री टर्म डिलीवरी का, ये कराया जा सकता है। यदि आपको समय से पहले डिलीवरी के दर्द शुरू हो गए हैं, डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं? ऐसे में गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडमिट होने का सलाह देते हैं। एडमिट होने के बाद में आपको ड्रिप्स दी जाती हैं हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, एंटीबायोटिक दी जाती है इन्फेक्शंस को कवर करने के लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब कि बच्चे की लंग की मैच्योरिटी कराने के लिए, बच्चे के लंग्स फेफड़े मैच्योर हो जाए और बच्चा जन्म के बाद सांस लेने में दिक्कत ना आए उसके लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इनकी दो डोजेस इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा मैक्सल्फ इंजेक्शन, मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन इंपॉर्टेंट होता है यदि 34 हफ्ते से पहले डिलीवरी हो रही है तो बच्चे में कुछ खराबियां ना आए उसके लिए मैक्सल्फ इंजेक्शन दिया जाता है, और दर्द रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं जिन्हें कि टोकोलिटिक्स कहा जाता है। इनका रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इनका रोल सिर्फ समय खींचने के लिए होता है कि इतना समय मिल जाए ताकि स्टेरॉइड और मैक्सल्फ इंजेक्शन काम कर सकें और डिलीवरी के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आए। क्या कोई तरीका है जिससे कि प्री टर्म डिलीवरी को प्रिवेंट किया जा सकता है? तो ऐसे 100% कोई तरीका नहीं है, प्रिकॉशन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि इसके चांसेस कम किए जा सकें। जैसे कि आप प्रॉपर आप एंटीनेटल चेकअप के लिए जाइए गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, ताकि वो देखकर ये पहले से पता कर सकें कि आपको रिस्क है प्री टर्म डिलीवरी की, तो उस हिसाब से कदम उठाए जा सकें। जैसे यदि आपका टारगेट स्कैन में आपका सर्विक्स शॉर्ट आया है
जिसे कि इनकॉम्पिटेंट टॉस कहा जाता है, तो बच्चेदानी में टांके लगाए जा सकते हैं जिसे कि सर्वाइकल सर्कलाज कहा जाता है, और इससे प्रीटर्म डिलीवरी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसे केसेस जिसमें कि पहले की हिस्ट्री है प्रीटर्म डिलीवरी की या मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन की, और सोनोग्राफी में शॉर्ट सर्विक्स दिख रहा है, तो प्रॉपर प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शंस और प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट्स लेके यूट्रस को रिलैक्स रखने की कोशिश की जा सकती है ताकि डिलीवरी समय से पहले ना हो, और ऐसे पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट के लिए सलाह दी जा सकती है। और स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, प्रेगनेंसी में स्मोकिंग पूरी तरह से बंद करना ज़रूरी है। पेशेंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। दो प्रेगनेंसी के बीच में प्रॉपर इंटरवल होना चाहिए, वैसे तो 3 साल का इंटरवल होना चाहिए, लेकिन यदि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है तो आप 2 साल में भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। यदि कोई बीमारी है जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, तो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज़रूरी है। ये सारे प्रिकॉशंस लेकर हम प्रीटर्म डिलीवरी प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।